मेरा नाम चंचल शर्मा है और मैं सिंगल मदर हूँ। मैं ई रिक्शा ड्राइव करती हूँ अपने 1.5 साल के बेटे को लेकर के। ये 2 महीने का था जब मैंने ई रिक्शा अपना चालू करा चलाना। रेंटेड ई रिक्शा चलाती थी मैं। बैठो लेबर छो। बेल्ट में भी नहीं आ पाता था, घुस जाता था बेल्ट के अंदर, छोटा सा था बहुत। 2.5 साल होने वाले हैं ई रिक्शा चलाते चलाते। लड़का छोटे से ई रिक्शा पे ही बड़ा हो रहा है। जब सवारी मेरे ई रिक्शे में बैठती है पहले तो देख के देखती रहती है, चौंक जाती है देख के, और फिर पूछताछ चालू कर देती है, ऐसे आप किस हाल में क्यों चला रहे हो, इसके पापा नहीं है या इसकी वो नहीं है, और सबको क्या जवाब दूं। देख बंकु देख, मैं तेरे जूते पे ये कर देती हूँ ऐसे। ये कंडीशन थी उनको, बस रोको नहीं किसी भी चीज में, और अगर रोकोगे तो पिटोगे। कुल 200 रुपए के लिए घर में लड़ाई कर ली उन लोग। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मेरे को अभी 2 महीने पूरे भी नहीं हुए हैं, टांके लगे हैं, बड़े ऑपरेशन से लड़का हुआ है। उन्होंने इतनी बुरी तरीके से उस टाइम पे भी मारना चालू कर दिया, तो फिर मैंने अपने घर वालों को फ़ोन करना चाहा तो उन्होंने मेरा फ़ोन लेके फ़ोन तोड़ दिया। मैं हमेशा यही सोचती थी शायद आज सुधर जाएँ, पर कभी रिस्पॉन्स कभी कुछ मिला नहीं। तो बस फिर मैंने एक दिन यही ठान लिया कि तू अपने पैरों पर खड़ी हो जा और निकल जा घर से बाहर कमाने लग। मेरे घर में कोई सपोर्ट नहीं है कि किसके पास बच्चा छोड़ के जाऊं। ई रिक्शा दिमाग में इसलिए आया चलाना कि मैं इसको अपने पास रख लूंगी और पास रख के ई रिक्शा भी चला लूंगी और पैसे भी कमा लूंगी। मैंने ये सोच लिया था कि अब आगे जीने का मकसद है ही नहीं बिल्कुल, और सुसाइड कर ले कहीं भी, अपने ई रिक्शे को किसी भी नहर में कुदा दे। फिर मैंने आगे जाके इसकी शक्ल देखी, इसकी क्या गलती है करके। मैं अगर हार मान जाती तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती। मैं मतलब बहुत मुश्किल में कमा पाती हूँ 400-500 रुपये 7-8 घंटे चला के। 10-10 रुपए भी कमाना बहुत बड़ी बात है। अगर मैं कमाने नहीं जाऊंगी तो शायद हम भूखे मर जाएंगे। मैं जो भी कमाती हूँ उसका या तो दूध आ जाता है या घर में कुछ खाना खर्चा है ये निकल जाता है। मैं अकेले रहती हूँ तो मैं कोई खाना वाना नहीं बनाती, दूध ब्रेड खा लिए मैंने या कभी 10 रुपए की चाउमीन खा ली, मेरा ऐसे ही गुजारा हो जाता है, मेरा पेट भर जाता है, आराम से सो जाती हूँ। फर्स्ट टाइम की बात बता रही हूँ, जब मैं ई रिक्शा ड्राइव करने के लिए निकली थी एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने आके मेरी ई रिक्शे में पंचर कर दिया था। मेरे को मालूम नहीं था कहाँ लगाना है, कहाँ से सवारी भरनी है। तो मैं उन लोगों से यही बोलूँगी, लेडीज अगर बाहर निकल के कमा रही है उन्हें सपोर्ट करें, ना कि उनको परेशान करें, सपोर्ट करें। वो पता नहीं किस सिचुएशन में बाहर निकल के कमा रही हैं। अगर मेरा बच चले तो मैं लेडीज़ों के लिए बहुत कुछ करूँ जो इन चीज़ों से परेशान हैं, बहुत कुछ करूं। भगवान ने पर मुझे इतना बनाया नहीं कि मैं किस अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही, तो मैं औरों के लिए क्या करूंगी। जैसे ई रिक्शा निकालते हैं कॉलोनी में से भाल निकालते हैं तो एक दो जने मतलब फालतू बोल जाते हैं कि ढंग से निकाल ले, ढंग से हमारी गाड़ी ठोकेगी क्या, वो करेगी क्या। उनका रिएक्शन ये रहा कि जा ई रिक्शा चला, उनकी निगाह में ये है कि मैं बहुत छोटा काम कर रही हूँ। आगे को जा साले, उतर के बजाऊँगी अभी यहीं, वो छेड़ रहा है तुम लोगों को, आन दो इसको मैं सही करूंगी। क्या मतलब है, या थूत रगड़वानी है तो वैसे बता दे। ऐसे ऐसे बहुत मिले हैं मेरे को सुबह से शाम तक, मैं सही कर देती हूँ ऐसे को। हो जाता है कोई कभी कभार बेबड़े बैठ जाते हैं दारू पी के, साइड में मेरे पीछे बैठ गया, वो पूरे रास्ते मेरी कमर छेड़ता हुआ आया। मैं पूछ रही उसको कहाँ उतरेगा कहाँ उतरेगा, वो बता ही नहीं रहा मुझे कहाँ उतरना है। मैं उसको ले गए सीधे साइड में लगा के, उस अंकुश को उतार के बेल्ट में से उसके धैर्यपटे पेलने चालू कर दिए मैंने, उसका पूरा नशा उतार दिया मैंने, फिर वो सीधा अपने भाग गया। देख 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 देख, बंकू ऊपर देख,
इस देश में गरीब होना, गरीब होके एक अकेली औरत होना बहुत आसान बात नहीं है। बस बात इतनी है कि मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। रुक जा, हो गया बस, मजाक में इसलिए। इसमें कुछ मैं सेफ नहीं कर पा रही हूँ। लेबर चौक मैं चाहती हूँ, मैं बहुत मेहनत करूँ और मेहनत करके बस एक छोटा सा अपना घर बना लूँ अपने बच्चे के और अपने लिए। मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगी और इसको मेरे पे गर्व होना चाहिए कि मेरी माँ ने इस तरीके से मेरे को पाला है।